रात के अंधेरे में एक आदमी अपनी साइकिल से अपने घर लौट रहा था। वो एक पेड़ के पास से गुजरा तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा। वो साइकिल चलाता रहा और तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो सहम गया। कौन है, कौन है यहाँ? उसने फिर से पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर उसकी साइकिल के कैरियर पर दो कठपुतलियाँ थीं। ये कहाँ से आ गए? उसने उन कठपुतलियों को उठाया और फेंका, पर कठपुतलियाँ जमीन पर गिरने की बजाय उड़ने लगीं। वो आदमी साइकिल वहीं छोड़कर भागने लगा और वो दोनों कठपुतलियाँ उसका पीछा करने लगीं। कहाँ तक भागोगे? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कठपुतलियों ने उस आदमी को घेर लिया। वो भागने की कोशिश करता रहा पर हर जगह उसे बस कठपुतलियाँ ही दिखाई दे रही थीं। और अंत में उसे दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं मर गया। कठपुतलियाँ वापस अपने पेड़ पर चली गईं और वहीं पेड़ की टहनी से लटकी रहीं। रात के अंधेरे में रास्ता बहुत ही सुनसान और खतरनाक बन जाया करता था। जब भी इस रास्ते से कोई गुजरता था तो ये कठपुतलियाँ जाग जाती थीं। और उस व्यक्ति के पीछे लग जाया करती थीं। छोड़ दो मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कठपुतलियाँ किसी को नहीं छोड़ती थीं, सबका वही हश्र करती थीं। कठपुतलियों का ये तांडव इतना बढ़ गया कि आसपास के गांव वाले परेशान हो गए और वो सब मिलकर एक सिद्ध बाबा के पास पहुँचे। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं महाराज, उन भूतिया कठपुतलियों ने तांडव शुरू कर दिया है। वो किसी को नहीं छोड़ रही, सबको मार देती है। पता नहीं उन कठपुतलियों को लोगों का शिकार करके क्या मिलता है। हमारी मदद कीजिए महाराज। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, आज रात ही आऊंगा। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश थे। उस रात साधु महाराज अकेले उस हाईवे पर चल पड़े और उनके कदमों की आहट सुनकर भूतिया कठपुतलियाँ जाग गईं। और उनका पीछा करने लगी। साधु महाराज रुक गए और उन्होंने देखा कि उनके पीछे दो छोटी छोटी कठपुतलियाँ चल रही थीं। कौन हो तुम लोग? लगता है तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी में एक नींबू रख लिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। रुक जाओ, बंद करिए सब। तो मेरे सवालों का जवाब दो, कौन हो तुम लोग? मैं नलिनी हूँ और ये मेरे पति सोमेश। हम दोनों राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान से यहाँ क्यों आए? हम दोनों कठपुतलियों का खेल दिखाया करते थे। हमारी कला देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। एक दिन इस राज्य के मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान आए। सोमेश जी, आपकी कला तो अप्रतिम है। हमारी बड़ी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ आएं और हमारे राज्य में भी एक शो करें। जी जरूर हुकुम। अगले हफ्ते हमारे राज्य में वार्षिक उत्सव है, आप वहाँ पधारिए और अपनी ये पारंपरिक कला का प्रदर्शन कीजिए। बिल्कुल जी। ये सुनकर हम दोनों बहुत खुश थे और चार दिन बाद हम मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़े। यहाँ हम एक होटल में रुके थे। पहली बार हम किसी दूसरे राज्य में आए हैं, हमारी कला लोगों को पसंद आएगी ना? बिल्कुल आवेगी, उसमें दो राय है क्या? अगर हमारी कला यहाँ के मंत्री को पसंद ना आती तो वो हमें यहाँ आने का न्योता ही नहीं देते। वो भी है। और फिर हमने वार्षिक महोत्सव में कठपुतलियों का खेल दिखाया। यहाँ की जनता को हमारा खेल बहुत पसंद आया और उस रात हम लोग इसी रास्ते से होटल लौट रहे थे। नलिनी हमारी कठपुतलियों से खेल रही थी
अचानक कुछ लुटेरों ने हमारी गाड़ी रोकी। निकालो जितना भी माल पानी है, अपनी जान प्यारी है तो सब कुछ दे दो। हमने अपने सारे पैसे और गहने लुटेरों को दे दिए, पर नलिनी ने अपना मंगलसूत्र छुपा लिया और उसके मंगलसूत्र पर लुटेरे की नजर पड़ गई। निकाल वो मंगलसूत्र भी, जल्दी निकाल। मैं नहीं दूंगी। लुटेरों ने हमें गाड़ी से बाहर निकाला। कठपुतलियां वहीं जमीन पर गिर गईं और लुटेरे हमें मारने लगे। इसी बीच ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी लेकर भाग गया। तू मंगलसूत्र देती है या नहीं? नहीं दूंगी। लुटेरे ने मंगलसूत्र छीना और नलिनी को धक्का मार दिया। नलिनी का सर एक पत्थर से टकराया और उसके माथे से खून बहने लगा। नलिनी, नलिनी! मैं नलिनी को देखने दौड़ पड़ा और यहाँ पीछे से दूसरे लुटेरे ने मेरे सर पर एक बड़ा सा पत्थर मारा और मैं भी वहीं ढेर हो गया। उन लुटेरों ने हमारा सब कुछ ले लिया, लेकिन वो दो कठपुतलियां वहीं छोड़ गए। इस रोड से कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। हम दोनों तड़पते तड़पते मर गए और हमारा भूत उन कठपुतलियों में जा बसा। और तब से हर रात हम इन कठपुतलियों में जी रहे हैं और इस राज्य के लोगों से बदला ले रहे हैं। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या इन्होंने तुम्हें लूटा? नहीं, पर अगर उस रात कोई हमारी मदद कर देता तो हम बच सकते थे। तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों हर मासूम से अपना बदला लो। आज तक तुम लोगों ने जिसकी भी जान ली उसके परिवार का सोचो। अगर उनके परिवार है तो क्या मारे नहीं थे? हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार था। हमारी माँ थी, भाई था, उनकी क्या गलती थी? किसी की कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो नियति थी, लेकिन अब तुम दोनों का इस दुनिया को छोड़ देना ही सही है। मैं तुम दोनों की आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। साधु महाराज ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर भूतिया कठपुतलियों को ये मंजूर नहीं था। सोमेश ने वही पड़ी एक रस्सी साधु महाराज के गले पर बांध दी और उसे खींचने लगा, लेकिन साधु ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। फिर नलिनी ने भी रस्सी का दूसरा सिरा खींचना शुरू किया और दोनों कठपुतलियों ने मिलकर साधु महाराज का गला घोंट दिया। मन ने मुक्ति दिलवाने आया था, हमने तो इसे ही मुक्त कर दिया। हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।